नहीं तुम्हारे सावरे की आवाज है। सावरी, सावरी, सावरी। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, पैदा करती है ट्रक में छोड़ दिया। शहर के बाहर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, उनमें से किसी एक ट्रक में डाल देंगे, भगवान भरोसे। ठीक है। अरे आज 10:30 बजे ZTV पर रणबीर रानो एक नया शो शुरू होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है रणबीर रानो की मोहब्बत एक नई मिसाल कायम करेगी, जैसे हमारी सलोनी और नाहर की मोहब्बत। अरे तू रहने दे कावेरी, मैं देखती हूँ ना। आइए आइए मन्नू भाभी, आइए आइए आइए। अरे धोने देवर साहब। अरे मन्नू भाभी कहाँ चली गई थी आप? कहीं भी जाइए मन्नू भाभी, लेकिन अपने देवर साहब की याद उसे चैन से जीने नहीं देती। आजा आजा समर बेटा आजा, ठीक तो है? सुखी रह सुखी रह। थारी धोने, ये बता ये तेरी घरवाली अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी है या इसमें कुछ सुधार हुआ है? अरे उधर खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही है, इधर आ चल पैर छू। जीती रहे तेरा सुहाग बना रहे। दूधो नहाओ पूतो। थारी धोने, लो इसने तो पहले से ही हम सबको दादा दादी बनाने का प्लान बना के रखा है। अरे आप बैठिए तो सही मन्नू भाभी, अब तो आप यहीं रहेंगी ना हमारे साथ। देवर साहब आप कहते हैं तो मैं रह तो लूं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहुरानी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी अब पहले वाली कावेरी नहीं रह गई है, अब वो बहुत बदल गई है। थारी थौने देवरानी सा, अरे हाथी दुबला भी हुआ तो कितना, मुझे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि करेले को कितना भी चाशनी में डुबो लो, उस पे सोने के वरक लगा लो, करेले की कड़वाहट तो जाने वाली नहीं। लो बहुरानी सा तो बुरा मान गई। बुरा मत मानना बेटा, तुझे तो मेरी आदत मालूम ही है ना, मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। कल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। आदित्य के साथ होने वाली हर दुर्घटना हर तकलीफ की वजह और कोई नहीं, इसे सलोनी है। सलोनी, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी साहब आप दुखी मत होइए, बहुत जल्दी आपकी गुड़िया इस घर की शान बढ़ाने आएगी।
और वैसे भी वैद्य ही और आदित्य भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। पिया तुमने सही कहा, आदित्य और वैद्य ही मेरे ही बच्चे हैं। माता जी महाराज ने मेरी सुन ली, इस घर की सुख शांति फिर से वापस आ गई है। जी मैं अभी पहुंचता हूं अंकल, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे मुझे। जी अंकल। वो क्या कह रहे थे नाहर, किस लिए बुलाया आपको उन्होंने? हमारी बेटी मिल गई ना, बताइए ना नाहर, आप हमारी बेटी को लेने जा रहे हैं ना? सलोनी पास ही के पुलिस स्टेशन में शिनाख्त परेड रखवाई है कमिश्नर अंकल ने, वहाँ कुछ ऐसी औरतों को बुलवाया है जिनका चेहरा डॉक्टर और नर्स के बताए डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है, और उनकी गोद में वो बच्चियां हैं जो हमारी बेटी की उम्र की हैं। वो नर्स भी आ रही है उस औरत की पहचान करने के लिए। चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सलोनी तुम चलकर क्या करोगी, तुम ये घर पर रुको, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलवा लूंगा तुम्हें। नहीं नाहर, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सलोनी मैंने कहा ना नाहर, ले जाना इसको अपने साथ, यहाँ पे रहेगी सोचती रहेगी। ठीक है चलो। माता जी इन दोनों को खाली हाथ मत लौटाना। अंकल कुछ पता चला उस औरत के बारे में? नर्स तो अभी आई नहीं, बस उसी के इंतजार में है। इतनी देर क्यों तुम्हारे में? कोई बात नहीं, अब जल्दी से उस औरत की पहचान कर लो, यहाँ पर बस तुम ही हो जो उसे मिल चुकी हो। जरा ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सी वो औरत है जिसकी बेटी तुमने नाहर और सलोनी की बेटी के साथ बदली थी। इनमें वो औरत नहीं है सर, इनमें वो औरत नहीं है सर, इनमें वो औरत नहीं है सर। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ठीक से देखो ना फिर से, शायद शायद पहचानने में भूल हुई तुम्हारी, देखो ना इनमें से ही कोई होगी, फिर से देखो एक बार ठीक से देखो। देख लिया मैडम, इनमें वो औरत नहीं है। सुनो नर्स को ले जाओ। रुको, अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ वो कैसे दिखती है। मैं ढूंढूंगी उसे, मैं ढूंढूंगी, वो जरूर मिलेगी। तुम मुझे बताओ वो कैसे दिखती है, कैसे दिखती है वो औरत। सलोनी तुमको संभालो, जब वो कह रही है कि तो कहां चली गई वो ना, मेरी बेटी को लेकर कहां चली गई, कहां चली गई वो औरत। सलोनी हमारी बेटी मिल जाएगी सर, चुप हो जाओ। इतनी सारी गाड़ियां किसी में भी डाल दो छुरी को, पकड़े गए मुश्किल हो जाएगी। क्या सोच रहे हो भाई जी? अरे बिस्ना
अरे देवल सर तक जाना है, बहुत लंबा सफर है। ठीक से हवा पानी चेक कर लिया? अरे सब चेक कर लिया उस्ताद, बढ़ा लो गड्डी। अरे तो बैठ। ये मुंह क्या देख रहा है बावड़े? चल उस टेम्पो में डाल देते, देवल सर से आई थी ना चोरी, वहीं पहुंच जाएगी। चल ओ अगरबत्ती लगा दूं। ओ माचिस कहाँ है? चोरी को यूं छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। इससे ज्यादा आप कुछ ना कर सकते हम भाई। अरे पुलिस की नजर पड़ जाती तो बच्चा चुराने के जुर्म में हम दोनों अंदर होते थे, और थारी मारी औकात ना है पुलिस से निपटने की। I'm sorry नहार, तुम्हारी बेटी के मिल पाने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है मुझे। सिर्फ दिवल सर ही नहीं, आस पास के करीब 20 गांव छान मारे हमने, मगर वो औरत नहीं मिली जिसके बच्चे से नर्स ने बच्चा बदला था। ऐसा मत कहिए अंकल, हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है नहार, पर सच्चाई यही है कि तुम्हारी बेटी के मिलने के चांसेस बहुत कम है। मेरी बेटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं। देखो सलोनी, बात यह है कि मैं दिखा दूंगी आपको कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, और अगर उसने कुछ ठान ली तो ईश्वर भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते। सलोनी, कमिश्नर अंकल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन अगर उनकी कोशिशों को फल नहीं मिल रहा है नहार, तो वो हार मान लेना। ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी बेटी मुझे मिल ही नहीं सकती? सलोनी, उन्हें मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत जल्द मेरे पास होगी, मेरे गोद में। माता जी, यहाँ तुम्हारे को वो ट्रक मिल जाए जिसमें हमारी बच्ची है। मारी चोरी, मारी चोरी। भाईजी, भाईजी मारी चोरी कट है। भाईजी, अरे अरे रोको, अरे रोको भाईजी रोको। अरे क्या हुआ? हट जा सामने से बावली, जाने देते, रो रही है। ते नीचे उतरो पहले। पहले माता रानी की सांग, मैं जान दे दूंगी क्या कौन जान दूं? कहाँ है मेरी सावरी? कौन सावरी? हमारी छोरी, अति छोटी सी है, गोद की बच्ची भाई। अरे कौन छोरी, कहाँ की छोरी, मरने के पता, हमें जाने दे दे। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो भाई जी, इसी गड्डी में थी हमारी छोरी, हमारे कान में आवाज पड़ी थी, भूख से भी लग रही है भाई जी। मैंने भाई छोरी वापस कर दो, दरोगा नहीं भूलूंगी। अरे अजीब औरत है, अरे अपनी छोरी में पता नहीं किस छोरी है, मन ने पीछे पड़ी है, लोगों ने परेशान करते फिर, देखिए जान दे हमें। अरे अरे कहाँ जा रही है? ना सामरी नहीं है कोई। अरे कहाँ जा रही है? अरे बावली कटे जाओ है, गाड़ी में कुछ ना है। मारी सामरी हटा है। कहाँ ना? नहीं मारी सामरी हटा। सामरी बेटा। अरे कहाँ चल रही हो? अरे रुको, चल रही हो? इसी ट्रक में छोड़ा था हमारे निर्दय बाप ने। अरे गैली हो गई ये के? अरे कोई छोरी वोरी ना है हमारी गाड़ी में? नहीं भाई जी, हमारे को अच्छी तरह याद है, इसी गाड़ी में थी हमारी चोरी। मैं चोरी को लिए बिना नहीं जाऊंगी, कौन ही उतरूंगी तेरी गाड़ी से। अरे रोना धोना छोड़, क्यों मारी जान हाथ में लगा रखी तने? चल नीचे उतर, नीचे उतर। अरे तो मारी जान भी तो मुसीबत में आ रही है। सच सच बताओ भाजी, तले माता रानी का आवाज था, देखो यही थी हमारी गाड़ी में, भूखी थी, दूध पिला दिया हमने उसे। छोरी आवाज भी नहीं आ रही। थारी छोरी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक टेम्पो में डाला हमने उसे। टेम्पो? हे भगवान, कटे ढूंढूंगी, कहां से ढूंढूंगी मैं छोरी को।
देख चिंता ना कर, मैं पहचान बताता हूँ। उस टेम्पो में साबन लदा था और साबन का नाम भी लिखा था। क्या नाम था पोस्टर का? चंपक साबुन। हाँ, चंपक साबुन। बेवल सर के लिए निकला है टेम्पो। बेवल सर? हाँ, चल जल्दी उतर, हम मदद करते हैं थारी। थारी, थारी बहुत मेहरबानी। प्रार्थना करूंगी कि आपको आपकी बेटी जल्दी से मिल जाए। पूजा हो गई। ठीक है बेटी, इन सब की क्या जरूरत है छोटी सलाइली जी। देखिए भाई, अगर अंधेरे में टिमटिमाता दिया भी होता ना तो भी मुझे बात समझ में आती। अरे अगर इन सब ढकोसलों से इच्छाएं पूरी हो जाती तो बात ही क्या थी। कुंवर साहब, कुछ कहने से पहले जरा सोच तो लिया कीजिए। थारी धौ ने किसी की आस्था का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है कुंवर साहब। अगर आपको इन बातों में विश्वास नहीं है तो मत मानिए इन्हें, लेकिन दूसरे के विश्वास पे उंगली उठा के उसका अनादर मत कीजिए। अरे मन्नो भाभी, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। अब आप ही सोचे ना कि जब पुलिस की इतनी भागदौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर ले। हम नहीं बेटा, वो जो ऊपर बैठा है ना वहाँ, वो सबकी करनी का हिसाब किताब रखता है। और मैं कहती हूँ कि सलोनी को उसकी पूजा और तपस्या का फल जरूर मिलेगा। सलोनी बेटा, अपना मन छोटा मत कर, माताजी महाराज तुझे कभी निराश नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ मन्नू भाभी, अब किसी की भी बात मेरा विश्वास नहीं हिलाएगी। लेकिन रह रहकर मन में एक ही सवाल उठ रहा है, मैं अपने बेटी तक कैसे पहुंचूंगी। बहुत उम्मीद लेकर पुलिस के पास गई थी, मगर बेटा पुलिस वाले भी इंसान होते हैं ना, भगवान तो नहीं होते। मुझे विश्वास है कि तेरी बच्ची को ढूंढने के और रास्ते भी निकल आएंगे। तू चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल ना, चल। जाने कहाँ की मुसीबत गले पड़ गई उस्ताद। कल जुग है कल जुग, लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की गर्दन फंसा देते हैं। हमें इस छोरी से कोई लेना देना नहीं है बिस्ना, छोड़ दे से यहीं कहीं पे, ना जाने किसका पाप है। ये आप कहाँ ले आई मन्नू भाभी मुझे? अरे बेटा तू अंदर तो चल, इस आश्रम के पुरोहित जी माताजी महाराज के बड़े भक्त हैं। बेटा तू ये समझ ले कि पुरोहित जी माताजी महाराज के भेजे हुए सेवक हैं। हो सकता है माताजी महाराज पुरोहित जी के द्वारा तेरी बच्ची के लिए कोई संदेश भेजना चाहती, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। चल। अरे हमारी गाड़ी मिली थी उसे इसे फेंकने के लिए, सोच क्या रहा है फेंकने से, किसी ने देख लिया तो मुफ्त में मारे जाएंगे।